हेलो नीट एरोस, तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। लास्ट लेक्चर हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एनएसआर हम लोगों ने उसमें देखा था डाई अल्काइल कैडमियम की नीड क्या थी। हमने देखा था गिरनार्ड रिएजेंट एक्सेसिव एडिशन करवा देता है तो अल्कोहल बन जाता है, इसलिए डाई अल्काइल कैडमियम की नीड पढ़ी थी, ठीक है। और आज हम लोग फर्दर एनएसआर को कंटिन्यू करेंगे कोल्बी-स्मिथ रिएक्शन के साथ, ठीक है। कोल्बी-स्मिथ रिएक्शन क्या बोलती है? जब हम फिनॉल के ऊपर NaOH डालते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं, देन एसिडिक वाटर डालते हैं, तो क्या बनता है हमारा? ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैलिसिलिक एसिड। अभी बनता कैसे है, ठीक है, इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। सबसे पहले देखो बेटा, होता क्या है, सबसे पहले NaOH आता है, फिनॉल हमारा कैसा है? एसिड है। क्या है? एसिड। NaOH क्या है? बेस। तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, वाटर निकल जाता है, ठीक है। वाटर निकल गया आपका और ये क्या बन गया? फिनॉक्साइड आयन। अब फिनॉक्साइड आयन में ऑक्सीजन पास लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, तो रिंग में डिलोकलाइज करेगा, तो ये आपका नेगेटिव चार्ज आया और ये रिंग का पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया, ओके। तो क्या बना आपका? ये बन गया। अब क्या करेगा? ये आपका क्या है? न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है आपका? इलेक्ट्रोफाइल, ओके। इलेक्ट्रोफाइल क्या है? पार्शियल पॉजिटिव सेंटर है कार्बन, क्योंकि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन डाइऑक्साइड पे अटैक करता है, देन क्या होता है? ऐसे जुड़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है बेटा? टॉटोमेरिज्म होता है। देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होते हैं और ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं और ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, तो ये कीटो फॉर्म से टॉटोमराइजेशन करके इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? हम लोग एसिडिक वाटर डालते हैं। क्या डालते हैं? एसिडिक वाटर। तो NaA रिप्लेस हो जाता है H से, तो हमारा फाइनली क्या बन गया? सैलिसिलिक एसिड, जो हमें बनाना था, ठीक है। मैकेनिज्म समझ में आई? सबसे पहले हमारा NaOH आता है, फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट कर देता है फिनॉल को, देन ये फिनॉक्साइड आयन से न्यूक्लियोफाइल बन जाता है बेटा Nu-, ये Nu- आपका कार्बन डाइऑक्साइड पे अटैक करता है, देन आपका कीटो फॉर्म टॉटोमराइज करके इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, देन हम लोग एसिडिक वाटर डालते हैं थर्ड स्टेप में और ये सैलिसिलिक एसिड बनके तैयार हो जाता है। इसको और क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्या बोलते हैं? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है, याद रहेगा। सैलिसिलिक एसिड को क्या बोलते हैं? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। नाउ ये सैलिसिलिक एसिड की कुछ रिएक्शन पढ़नी बेटा, मैं सैलिसिलिक एसिड की जो रिएक्शन है कुछ पढ़नी है, ठीक है। इसमें सबसे पहली क्या है आपकी? मेथेनॉल से एसिडिक मीडियम में रिएक्शन। अब देखो यहाँ सैलिसिलिक एसिड में एसिडिक पार्ट है, यहाँ ये अल्कोहल है, तो एसिडिक मीडियम में क्या हो जाएगा? एस्टरीफिकेशन। तो क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट में? ये फिनॉल जैसा का जैसा रहेगा, ये क्या बन गया हमारा? मिथाइल सैलिसिलेट। क्या बन गया? मिथाइल सैलिसिलेट। मिथाइल अल्कोहल से बना ना, तो ये मिथाइल सैलिसिलेट बन गया बेटा, मिथाइल सैलिसिलेट। एट किसके लिए यूज करते हैं? एस्टर के लिए। और इसका एक और इंपॉर्टेंट नेम है, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। इसको क्या बोलते हैं? ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ठीक है, याद रखेंगे इसको, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अगर सैलिसिलिक एसिड के ऊपर ये क्या हमारा सैलिसिलिक एसिड, अगर सैलिसिलिक एसिड के ऊपर हम लोग फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं, फिनॉल भी क्या हमारा एसिडिक मीडियम में क्या कराएगा? इस्टरीफिकेशन करवाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? फिनॉल के साथ रिएक्शन कराने पे फिनाइल एसिटेट, फिनाइल सैलिसिलेट बनेगा। क्या बनेगा बेटा? फिनाइल सैलिसिलेट। इसको क्या बोलते हैं बेटा कॉमन नेमिंग में? सैलॉल। क्या बोलते हैं इसको? सैलॉल, ठीक है। ये कैसा एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है बेटा इसमें, एंटीसेप्टिक
प्रॉपर्टीज, ठीक है याद रखेंगे। सेल वॉल हमारा कहता होता है एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है इसकी, सैलिसिलिक एसिड की बेटा, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड जो हमारा इथेनोइक एनहाइड्राइड के मीडियम में बेटा इथेनोइल क्लोराइड से रिएक्ट करता है। तो जब ये हमारा क्या है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बेटा, ये कार्बन क्या है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक नहीं है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, क्या है इलेक्ट्रोफिलिक, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा बेटा। तो न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या है, ये अल्कोहल बेटा, क्या है ये अल्कोहल, ऐसे आएगा यहाँ पे ऐसे अटैक करेगा बेटा, कैसे करेगा ये ऐसे जाके यहाँ से ऐसे अटैक करेगा, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे अगेन वापस आएंगे और जो क्लोरीन हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा ये बताओ, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा बेटा हमारा ये बनेगा, इसको क्या बोलते हैं सोचो सोचो, इसकी कॉमन नेम, कॉमन नेम तो मैं बताऊंगा आपको, इसका आईयूपीएसी नेम सोचो आप क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे टू इथेनोइल ऑक्सी बेंजोइक एसिड, क्या बोलेंगे टू इथेनोइल ऑक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है टू इथेनोइल ऑक्सी बेंजोइक एसिड। और इसको आप देखो मेडिकल लैंग्वेज में इसको और क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं एस्पिरिन, जो आप लोग बुखार में एस्पिरिन लेने जाते हैं ना उसका केमिकल फॉर्मूला यही है, बुखार बुखार की दवाइयां कैसी होती है एंटीपायरेटिक, ठीक है तो बुखार की दवाइयों को एंटीपायरेटिक बोलते हैं बेटा। तो इसके अंदर कैसी प्रॉपर्टीज होती है, एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, बुखार की दवाइयों को हम लोग एंटीपायरेटिक बोलते हैं बेटा। तो इसके अंदर क्या होता है, एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ये क्या होती है एंटीपायरेटिक, याद रखेंगे एस्पिरिन हमारी कैसी है एंटीपायरेटिक, एसेलॉल हमारा कैसा है एंटीसेप्टिक, ओके। तो टू इथेनॉल ऑक्सी बेंजोइक एसिड बोल दो या एस्पिरिन बोल दो, फाइन याद रखेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट रिएक्शन हमारी रिमर्टिमन रिएक्शन, इसमें भी क्या है फिनॉल की रिएक्शन, जब हम लोग एल्कलाइन मीडियम में स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम में क्लोरोफॉर्म से करवाते हैं तो बेटा हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है, क्या बनता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसको और क्या बोलेंगे, जैसे वो सैलिसिलिक एसिड है ये सैलिसिलिकेट है, ये क्या है सैली सैलिसिलिकेट, ओके ये क्या है हमारा सैलिसिलिकेट, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म कैसे, मैकेनिज्म देखेंगे फर्दर। देखो सबसे पहले क्या होता है बेटा, क्लोरोफॉर्म का जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो KOH से रिएक्शन करके वाटर सब्सट्रेट हो जाता है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, तो ये हमारा बनता है इंटरमीडिएट। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन के पास भी लोन पेयर है बेटा, हर क्लोरीन के पास तीन तीन लोन पेयर हैं, ठीक है कार्बन के पास भी नेगेटिव चार्ज आ गया, तो हाईली रिपल्सन होता है, एक क्लोरीन आपका इसकी वजह से निकल जाता है, तो एक क्लोरीन के निकलने की वजह से KCl निकल जाता है आपका KCl-, ठीक है। तो बनता क्या है आपका इंटरमीडिएट डाइक्लोरोकार्बीन, क्या बनता है डाइक्लोरोकार्बीन, याद रखना बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में नीट में ही आ चुका है, रिमर्टिमन रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो आंसर गया था डाइक्लोरोकार्बीन, क्या गया था डाइक्लोरोकार्बीन, ये बात मैंने आपको GOC2 के पहले लेक्चर में ही पढ़ाई है, ठीक है याद रखें ये डाइक्लोरोकार्बीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, 5 स्टार मार्क कर लो इसको, पहले भी पूछा जा चुका है, अदर रिएक्शन में कोई और इंटरमीडिएट बनता हो वो भी पूछा जा सकता है, ठीक है इसलिए मैकेनिज्म पढ़ना जरूरी है ना। अब देखो होता क्या है बेटा, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, KOH आता है फिनॉल से रिएक्ट करके फिनोक्साइड आयन बना देता है, ठीक है ये फिनोक्साइड आयन क्या करता है बेटा आपका इसके अंदर आएगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, फिनोक्साइड आयन का जो नेगेटिव चार्ज है, अब ये देखो बेटा ये क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल और डाइक्लोरोकार्बन कैसा है इलेक्ट्रोफाइल बेटा, क्योंकि इसको क्या है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये हमारा इसके ऊपर ऐसे अटैक करेगा बेटा,
ये हमारा इसके ऊपर ऐसे अटैक करेगा, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारे ये बन जाएगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज ने उसको अप्रोच किया है, तीन बॉन्ड है एक नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है बेटा, टॉटोमराइजेशन होता है। यहाँ पर देखो जो हाइड्रोजन लगा दिख रहा है आपको, इसके इलेक्ट्रॉन ऐसे यहाँ जाएंगे, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और ये हाइड्रोजन आपका यहाँ आ जाएगा, तो क्या इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, हो जाएगा कन्वर्ट इनॉल फॉर्म। टॉटोमराइजेशन मैंने आपको GOC 1 के एंड में पढ़ाई थी बहुत डिटेल में, ठीक है, तो याद करो उसको थोड़ा सा। तो कीटो फॉर्म आपका इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा टॉटोमेरिन से। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, H+ एक्सचेंज। देखो यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ OH है, तो नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज क्या होती है आपकी, बेस होती है। क्या होती है, बेस, जो लोन पेयर डोनेट करती है वो बेस होती है, जो H+ रिलीज करते हैं वो एसिड होते हैं। फिनॉल हमारा ऑलरेडी हम जानते हैं कार्बोलिक एसिड होता है, ठीक है, तो ये H आके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा H एक्सचेंज, तो CHCl2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फिर से ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है, KOH, आपका मीडियम में तो पड़ा हुआ है KOH आएगा, ये दोनों Cl को रिप्लेस कर देगा OH से, फाइन। अब मैं आपको बता चुका हूँ एक ही कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं होते, तो क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा बेटा। ठीक है, ये देखो ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया ऐसे, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, ये LDHD ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एसिडिक वाटर डालेंगे, H3O+ एसिडिक वाटर डालेंगे, तो यहाँ पे H+ आके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो पूरी मैकेनिज्म क्लियर है एकदम आपको, जैसे मैंने बताई वैसे ही कॉपी में पूरी नोट डाउन कर लेना, जितनी बार भी आप नोट रिवाइज करेंगे आपको मैकेनिज्म्स तो पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैकेनिज्म से ही बनती है। आपका एप्लीकेशन पार्ट GOC 1 में हम लोग जितना सीखते हैं, GOC 2 के स्टार्टिंग एंड इफेक्ट जितने सीखते हैं, ये सारे हमारे GOC 2 के एप्लीकेशन में आते हैं, तो एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैकेनिज्म तो आपको हर बार पढ़ने ही पढ़ने हैं, जब तक याद ना हो जाए अच्छे से। नेक्स्ट स्टेप है बेटा, नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो आपका बनी गया बेटा, ये क्या होता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ठीक है, इसको सैलिसिलाइड भी बोलते हैं। ओके, अभी देखो CHCl3 लिया था तो हमारा क्या बन गया था, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, CCl4 ले लेंगे उसी जगह बेटा, तो क्या बन जाएगा हमारा, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, याद रखेंगे इसकी मैकेनिज्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सैलिसिलिक एसिड जो हमने कोलवे समिति रिएक्शन से पढ़ा था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ओके, तो इसको हम लोग डायरेक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी कार्बिलामीन रिएक्शन। देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जैसे रीमन टीमैन रिएक्शन में आपसे पूछा जा सकता है इंटरमीडिएट क्या बनता है, ऐसे ही आपसे कार्बिलामीन रिएक्शन में भी पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। क्यों प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ भी इंटरमीडिएट आपका डाइक्लोरोकार्बीन ही बनता है। क्वेश्चन कैसे फ्रेम कर सकता, क्वेश्चन पूछ लेगा इनमें से कौन कौन सी रिएक्शन में डाइक्लोरोकार्बीन इंटरमीडिएट बनता है, आपको ऑप्शन दे देगा, कैनिजारो एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल रिमाटीमैन, एल्डोल आपका कार्बिलामीन रिएक्शन, और फोर्थ ऑप्शन रख देगा रिमाटीमैन एंड कार्बिलामीन रिएक्शन। तो कौन सा आंसर जाएगा, रिमाटीमैन एंड कार्बिलामीन रिएक्शन। इस रिएक्शन में भी आपका इंटरमीडिएट डाइक्लोरोकार्बीन ही बनता है। ठीक है, और कार्बिलामीन रिएक्शन क्या है बेटा आपका, इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, और ये सिर्फ प्राइमरी अमीन्स दिखाते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन्स ही कार्बिलामीन रिएक्शन दिखाती हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पहचानते कैसे हैं ये आइसोसाइनाइड बन के बेटा, ये बहुत ही गंदी स्मेलिंग कंपाउंड बनता है, आइसोसाइनाइड जो होता है आपका बहुत ही गंदी स्मेल करता है, तो फाउल स्मेलिंग कंपाउंड बनता है बेटा। आइसोसाइनाइड क्या है, वेरी फाउल फाउल स्मेलिंग कंपाउंड। ठीक है, होता क्या है इसमें, आपकी प्राइमरी अमीन क्लोरोफॉर्म और QH के प्रेजेंस में रिएक्शन करती है, और क्या बनता हमारा, आइसोसाइनाइड, और आइसोसाइनाइड कैसा है, बहुत बदबूदार कंपाउंड। ओके, एस्टर कैसा था, फ्रूटी स्मेलिंग, आइसोसाइनाइड कैसा है, बदबूदार कंपाउंड। ओके, देखिए मैकेनिज्म देखेंगे क्या होता, पहले की तरह क्लोरोफॉर्म हमारा QH से रिएक्ट करके डाइक्लोरोकार्बिन बना लेता, KCl निकल जाता है। ठीक है बेटा,
पीछे बताया था ना अभी मैंने, KCl निकल जाता है। ठीक है, डाइक्लोरोकार्बिन अब आपका प्राइमरी अमीन से एसिडिएट करता है, ये HCl एक निकल जाता है, एक HCl नीचे से निकल जाता है, तो ये बनता है हमारा आइसोसाइनाइड। ये क्या है हमारा आइसोसाइनाइड, और कैसा फाउल स्मेलिंग है बेटा, कैसा फाउल स्मेलिंग। ओके, याद रहेगा कार्बिल अमीन रिएक्शन बेटा, आइसोसाइनाइड जो है ना आपका पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो बार बनेगा, एक बार तो अभी बना दिया मैंने, दूसरी बार और बनाऊंगा। तो आइसोसाइनाइड के बारे में बेटा बहुत ध्यान से याद रखना, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको दो बार बनाऊंगा मैं आइसोसाइनाइड, समझ रहे हो। एक बार आपका आगे सब्स्टिट्यूशन में, इसी सब्स्टिट्यूशन में एक बार और आगे आएगा, अभी आपको कार्बिल अमीन रिएक्शन याद रखनी है। ठीक है, भूलना नहीं है, दो ही बार पढ़ना है तो दो बार पढ़ना है, दोनों बार याद रहना चाहिए आपको कि एक कब, एक बार कब बना था कार्बिल अमीन रिएक्शन में आइसोसाइनाइड बना था, दूसरी बार आगे AgCN की रिएक्शन बनेगा। ठीक है, नाउ कार्बिल अमीन की कुछ क्वेश्चन, इसमें क्या होगा बेटा, प्राइमरी अमीन है, रिएक्शन हो जाएगी CH3CH2NC। ठीक है, नेक्स्ट में क्या बन जाएगा बेटा, प्रोडक्ट बन जाएगा, इसमें क्या बनेगा, बना लेंगे। ठीक है, ऐसे ही बनेगा, सबके ही बन रहे थे, फाइन आगे बढ़े। ठीक है, अब आती है हमारी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन क्या है बेटा, ऐसे एल्डिहाइड एंड कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ऐसे एल्डिहाइड एंड कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, वीक बेस की प्रेजेंस में दोनों आपस में रिएक्शन कर जाते हैं बेटा। तो पहले तो आपका अगर हीट ना करो तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। देखो, दोज एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विच कंटेन अल्फा हाइड्रोजन सो दिस रिएक्शन, बता दिया मैंने, रिएक्शन आपकी वीक बेस के प्रेजेंस, सॉरी डाइल्यूट बेस में होती है बेटा। कैसे होती है, डाइल्यूट बेस, जैसे डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट KOH, डाइल्यूट COH का O2, डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं बेटा इस रिएक्शन में, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, एक सब्सट्रेट की तरह बिहेव करता है, दोनों आपस में अंडरगोज NaR, पहले NaR के फॉर्म में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, देन एलिमिनेशन हो जाता है बेटा। ठीक है, तो बनता क्या है, पहले आपका बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड, अभी मैंने बताया था बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड बनता है, जिसको बोलते हैं एल्डोल प्रोडक्ट। इसको जब हीट करते हैं बेटा, इसको जब हीट करते हैं तो वाटर निकल जाता है, तब बोलते हैं उसको एल्डोल कंडेंसेशन। ऑन हीटिंग दिस प्रोडक्ट डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस, बीटा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड इज फॉर्म्ड नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। जब तक हीट नहीं करेंगे तब तक वो एल्डोल प्रोडक्ट है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, अब देखिए होता कैसा है सब, अगर आउटलाइन देखें हम सिर्फ बाहर बाहर से देखें, दो मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड और कीटोन आपके डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, और देखो अल्फा बीटा मैंने बताया कैसे, ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन है बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन है, ये वाला आपका सी, तो इससे डायरेक्टली अटैच आपका अल्फा कार्बन होता है, उससे डायरेक्टली अटैच बीटा कार्बन होता है। ओके, तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड क्या बन गया बेटा, आपके बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। क्लियर है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड किसको बोलते हैं। अब जब इसकी हीटिंग होती है बेटा, जब इसकी अगर मैं हीटिंग कर दूं तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगा है ये बेटा इसके साथ वाटर निकाल देता है, H2O निकाल देता है, यहाँ डबल बॉन्ड आता है, तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बनते। क्या बनते, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बनते। अब इसकी पूरी मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है हम लोग। देखो होता क्या है, सबसे पहले जो आपके अल्फा हाइड्रोजन होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स के कार्बोनाइल कंपाउंड के, एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, ये हाइड्रोजन आपका NaOH आएगा बेटा, OH- आएगा इससे, ये इसको निकाल के वाटर में कन्वर्ट कर देता है, और क्या बनता है हमारा, ये नेगेटिव चार्ज, ये क्या बन गया हमारा, न्यूक्लियोफाइल बेटा, न्यूक्लियोफाइल बन गया।
अब ये एसिडिक हाइड्रोजन क्यों है, इसकी NaOH से रिएक्शन क्यों हो रही है? देखो इसका नेगेटिव चार्ज बहुत स्टेबल है बेटा, ऑक्सीजन के साथ कॉन्जुगेशन में है। क्या है? ऑक्सीजन के साथ कॉन्जुगेशन, इसलिए इसके अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के अल्फा हाइड्रोजन कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। ठीक है, अभी हमारा न्यूक्लियोफाइल बन गया। ये न्यूक्लियोफाइल हमारा दूसरे वाले सब्सट्रेट पे अटैक करता है, कार्बोनिल कंपाउंड पे, दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करता है। तो क्या हो रहा हमारा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है। क्या हो रहा है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, यही हमारा RDS भी होता है बेटा। क्या होता है? RDS। ओके, तो देखो ये जब आके इस पे अटैक करेगा, ये हमारा O- में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, O- में कन्वर्ट हो, देखो ये वाला यहाँ पे लिख दिया इतना, ये वाला ग्रुप हमारा ये लिखा है, ये वाला हमारा ये लिखा है। ओके, क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है बेटा? वाटर डालते हैं। क्या डालते हैं? वाटर, वाटर H3O+ कर लो बेटा, एसिडिक वाटर डालेंगे। एसिडिक वाटर से क्या आएगा? H+, तो OH से H+ जुड़ जाएगा, O- से H+ जुड़ जाएगा। अब ये तो हो गया हमारा, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन है, ये तो हो गया हमारा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। क्या हो गया? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। अब इसकी जब हीटिंग करेंगे, देखो वाटर हमारा, वाटर से एच आएगा जो यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है, येल्लो येल्लो, जब इसकी हीटिंग करेंगे बेटा तो ये वाला वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। क्या निकल जाता है? वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं। क्या बनते हैं? अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ये क्या हमारा? अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। एक चीज बताऊँ, आपका क्वेश्चन कभी एल्डोल का गलत नहीं होगा। जब भी आप एल्डोल का क्वेश्चन करो, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाओ, तो ध्यान रखना जो ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में आती है बेटा, पाई सिग्मा पाई हमेशा रेजोनेंस में आएगा। कभी भी ऐसा केस नहीं होगा कि रेजोनेंस में ना आए। तो ध्यान रखना है बेटा बहुत सही से कि जब भी आप प्रोडक्ट बनाओ तो इसमें जो ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड का कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में होता है बेटा। क्या होता है? रेजोनेंस में। याद रखना ये चीज, कभी भी आपकी डिसऑब्वे हो रही है तो मान लेना आप, अगर मान लेना आप प्रोडक्ट गलत बना रहे हैं। ओके फाइन, कंटिन्यू करें आगे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। मैकेनिज्म देख लिया हमने, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे होते हैं। इनमें भी मैं पूरी मैकेनिज्म के साथ बताऊंगा आपको, फिर डायरेक्ट, देखो अभी तो इतना लेंथी मेथड बता रहा हूँ, फिर डायरेक्ट करना ही बताऊंगा। पेपर में विद इन 5 to 10 seconds आंसर कैसे आएगा, समझ रहे हो? ऑर्गेनिक हमें लगभग 5 to 6 minutes में खत्म करनी है पेपर, और बहुत ईजिली खत्म कर देंगे पूरे 15 से 15 क्वेश्चन। 5-6 minutes इनऑर्गेनिक, 5-6 minutes ऑर्गेनिक, मतलब 12 minutes में आप 30 questions कर देंगे ईजिली, बहुत ईजिली। रेस्ट ऑफ द टाइम आप फिजिकल केमिस्ट्री में लगाएंगे। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या होगा बेटा? एक मॉलिक्यूल होगा, ये यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन होंगे बेटा, यहाँ से NaOH आएगा बेटा, अल्फा हाइड्रोजन निकाल देगा, अल्फा हाइड्रोजन निकाल के ये नेगेटिव बना देगा। ठीक है, क्लियर है। ये जब नेगेटिव बन जाएगा तो दूसरे मॉलिक्यूल, अपने ही जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा बेटा, ये आएगा यहाँ पे अटैक करेगा, तो क्या बनेगा हमारा? ये बन जाएगा बेटा, ये हमारा ऐसे चले जाएगा लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, तो ये O- में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आया? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? एसिडिक वाटर डाल देंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा हमारा? ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? हीटिंग कर देंगे बेटा। क्या कर देंगे? हीटिंग कर देंगे। हीटिंग करने से एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। एल्डोल कंडेंसेशन होगा बेटा, देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन आएगा और ये इतना OHH मिला के ये निकल जाएगा बेटा। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा? फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, ये भी बेटा रेजोनेंस में ये पूरा लॉ फॉलो करेगा, पाई सिग्मा पाई,
पाई सिग्मा पाई क्या होते हैं, आपस में रेजोनेंस में होते हैं। वैसे भी काउंट कर लो, बीटा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड है, ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो क्या है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। क्या है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, बिल्कुल बना लें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ठीक है आगे बढ़े, अगला एग्जाम्पल में फिर से पूरी मैकेनिज्म्स करेंगे। ओके नाउ इसमें देखो ये क्या हमारा बेंजोफिनोन, सॉरी एसिटोफिनोन, ये क्या हमारा एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन कॉमन नेम है इसका एसिटोफिनोन। ठीक है अब कैसे करेंगे इसको, देखिए सबसे पहले NaOH आएगा, इसके अल्फा हाइड्रोजन, ये क्या हमारे अल्फा हाइड्रोजन बेटा, इसके अल्फा हाइड्रोजन निकाल देगा, ये नेगेटिव बन जाएगा, ये फिर आपके दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करने के लिए रेडी हो जाएगा। ये अब आएगा देखो, ये नेगेटिव चार्ज आके इस कार्बन कंपाउंड पे अटैक करेगा, ये आपके लोन पे रह से वापस निकल जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका प्रोडक्ट बन जाएगा pH सी डबल बॉन्ड ओ सी एफ टू, ये कार्बन कंपाउंड को नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया बेटा, ये सी एस थ्री, ये pH। ओके यहाँ तक आ गया, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, एसिडिक वाटर डाल देंगे। ठीक है एसिडिक वाटर डालेंगे तो ये हमारा जो नेगेटिव है ये हमारा OH में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइन अब उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बेटा, हीटिंग कर देंगे, क्या कर देंगे हीटिंग कर देंगे, इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे हीटिंग, हीटिंग करने से क्या निकल जाएगा वाटर, तो एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा pH सी डबल बॉन्ड ओ सी सी एच डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री pH। ओके अब देखो कैसे बनाइए, ध्यान से देखना, ये हमारा जो हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है एक हाइड्रोजन ऐसा लगा होगा, ये ऐसे करके वाटर निकल गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है तो ये आ गया हमारा डबल बॉन्ड। अब देखो वेरीफाई करो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड है कि नहीं, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप कार्बन है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बनल कंपाउंड बन गया, नहीं बन गया। ठीक है पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस में भी है, क्लियर है बिल्कुल समझ में आ गया, प्रोडक्ट गलत नहीं करना। अभी तो मैं आपको डिटेल मैकेनिज्म से बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन, फिर डायरेक्ट ही बताऊंगा डायरेक्ट कैसे करना है। ओके नेक्स्ट इसको कैसे करेंगे, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, ये अल्फा हाइड्रोजन है ना, तो यहां से अल्फा हाइड्रोजन निकाल देगा बेस आपका, ये नेगेटिव, ये दूसरे मॉलिक्यूल पे बेटा अटैक करेगा, ये आपका दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, तो क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट में सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एस टू, इस पर अटैक करके इसको ओ नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया बेटा, ये सी एस थ्री ये सी एस थ्री, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है अब क्या होगा आपका, वही एसिडिक वाटर डाल देंगे बेटा, एसिडिक वाटर डालेंगे तो ओ माइनस आपका ओ एच में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है अब इसको क्या करेंगे, हीटिंग करेंगे, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगा है और ये ओ एच, ये आपके दोनों मिला के वाटर निकाल देंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हीटिंग करेंगे तो वाटर निकल जाएगा, हीटिंग करने से वाटर निकलेगा तो क्या बनेगा हमारा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री सी एच थ्री। चेक करो जरा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है कि नहीं, ये फंक्शनल ग्रुप है, इससे डायरेक्ट है अल्फा, ये बीटा, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बनल कंपाउंड बना कि नहीं बना, बन गया, इसको क्या बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बेटा, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, इसको क्या बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बेटा। ओके ये क्या हमारा एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। नेक्स्ट अब अभी तो दो मॉलिक्यूल अलग अलग थे, अब अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आपके दो कार्बनल ग्रुप्स आ जाएं तो क्या होगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर कंडेंसेशन हो जाएगा बेटा, इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। देख लो यहाँ पे आपके हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, ये कार्बन कंपाउंड है, इसके अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है तो किसी भी एक साइड से रिएक्शन इनिशिएट होगी, दूसरी साइड कंप्लीट होगी,
तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, डाइल्यूट NaOH आएगा बेटा, क्या बनेगा ये मान लो यहां से हाइड्रोजन निकाल दिया, ठीक है, क्लियर है, ये आपका अल्फा कार्बन था, यहां से हाइड्रोजन निकाल दिया। अब ये क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा, ये ऐसे आ जाएगा, तो देखो रिंग फॉर्मेशन होगा। अब क्या होगा रिंग फॉर्मेशन, तो इंपॉर्टेंट है रिंग आप सही से बनाओ, कितने कार्बन की बनेगी ध्यान देना, यहां से स्टार्ट होगी एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार, पांच, छह कार्बन की रिंग बनेगी, ठीक है, और छह कार्बन से अटैच डायरेक्टली अटैच कार्बन आपका एल्डिहाइडिक कार्बन होगा, ओके। तो हमारा क्या बनेगा प्रोडक्ट में बेटा, इसके बाद अगर रिंग फॉर्मेशन होगा नेक्स्ट स्टेप में तो क्या बनेगा, पहले तो छह कार्बन की रिंग बना दो बेटा, क्या बना दो, छह कार्बन की रिंग बना दो, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका CHO जुड़ा हुआ था तो इस कार्बन ने इस कार्बन के ऊपर, यहाँ पे अगर CHO जुड़ा हुआ था, ये वाला CHO आपका तो नेगेटिव चार्ज पे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव चार्ज वाले कार्बन पे ये CHO जुड़ा हुआ है, तो ये मैं मान ले रहा हूँ नेगेटिव चार्ज वाले कार्बन ने दूसरे कार्बन पर अटैक किया, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा O माइनस, ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा हमारा O माइनस, एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, ध्यान से देख लो, यहाँ पे कोई डाउट नहीं आना चाहिए आपको। देखो ये हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप था, इतना ये हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप था, ये नेगेटिव कार्बन से नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर उससे अटैच था, ठीक है, इस नेगेटिव चार्ज ने इस एल्डिहाइडिक ग्रुप पे अटैक कर दिया, तो ध्यान देना ये एल्डिहाइडिक ग्रुप वाला कार्बन आपका नेगेटिव ओ माइनस में कन्वर्ट होगा, ठीक है, और ये वाला इससे डायरेक्टली जुड़ेगा। तो अगर मैं इसको नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन मान लेता हूँ तो इस पर CHO जोड़ देता हूँ और इसका अटैक इस दूसरे कार्बन पे करवा देता हूँ, जो दूसरे कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप था वो O- में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा O- में, तो यही बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, वाटर डालेंगे, OH में कन्वर्ट हो जाएगा ये CHO में, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हीटिंग कर देंगे तो वाटर निकल जाएगा बेटा, वाटर कहाँ से निकलेगा यहाँ से हाइड्रोजन, ये तो क्या बनेगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा हमारा बेटा, आप कंपेयर करो कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो ये क्या है हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, क्लियर है, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट ही होगा, और उसका जो कार्बन डबल बॉन्ड होगा वो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में भी होगा, ओके, ऐसा नहीं कि कहीं आप उल्टा बना दो दूर और रेजोनेंस में नहीं आ रहा हो, ओके फाइन, यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है, हो गया फाइन, आगे बढ़ते हैं, चलो नाउ डायरेक्ट मेथड क्या है, डायरेक्ट कैसे करते हैं, इतनी सारी हमने मैकेनिज्म हर बार पेपर में थोड़ी ना करेंगे इतना सारा लेंदी, ये सब हम लोग प्रिपरेटरी फेज में कर लेंगे, जब हम पढ़ रहे हैं, जब इसको समझ रहे हैं चीज़ों को, पेपर में तो डायरेक्ट मेथड चलेगा। देखो करते क्या हैं, दो कार्बोनिल कंपाउंड जब लिखे होते हैं, अगर एल्डोल रिएक्शन है तो क्या करते हैं, उनको ऐसे लिखते हैं, एक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दूसरे के अल्फा की तरफ बेटा, दूसरे के अल्फा हाइड्रोजन की तरफ, और कुछ नहीं करना आपको, बस ये निकाल देना है बेटा, प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे आप, इसको निकाल दो, प्रोडक्ट में लिखेंगे आप लोग CH3 बन गया, कितना इजी है, एक कार्बोनिल कंपाउंड के ऑक्सीजन को दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड के अल्फा हाइड्रोजन साथ हटा दो, समझ रहे हो, एक कार्बोनिल कंपाउंड के ऑक्सीजन को दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड के अल्फा हाइड्रोजन साथ मर्ज करके वाटर निकाल दो, आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया, इतना स्टेटमेंट याद कर लो, एक कार्बोनिल कंपाउंड के ऑक्सीजन को दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड के अल्फा हाइड्रोजन साथ वाटर बना के निकाल लो, कर देंगे बिल्कुल डायरेक्ट मेथड है, बहुत क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा इससे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्या ये अल्फा हाइड्रोजन है इस कंपाउंड में, कुछ नहीं करना बस आपको ऐसे करके निकाल देना है, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, अभी हम लोग बना चुके हैं बेटा, क्या यही बना था, देखो कॉपी के पन्ने पलट के देखो, क्या यही बना था,
डेफिनेटली यही बनाता है। इतनी सारी मैकेनिज्म तो हम सिर्फ तब करेंगे जितनी बार रिवीजन करेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे टॉपिक, पेपर में नहीं करेंगे। पेपर में तो हम डायरेक्ट मेथड लगाएंगे, चाहे वो प्रैक्टिस पेपर हो, चाहे वो आपका नीट का मेन एग्जाम हो। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बेटा। क्या ये हमारे अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, और ये हमारा दूसरा कार्बन कंपाउंड का ऑक्सीजन है, तो क्या ऐसे करके वाटर निकाल दें हम लोग, माइनस वाटर। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा आपका, ये निकाल दो, फाइनल प्रोडक्ट माइनस वाटर करके निकाल दो। फाइनल प्रोडक्ट बनेगा आपका CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH डबल बॉन्ड सी CH3 बन जाएगा बिल्कुल। ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, पुराना याद करो, ओजोनोलाइसिस मैंने पढ़ाया था, ये कौन सी ओजोनोलाइसिस है जिसमें जिंक डालते हैं बताओ, भूल गए कि याद है, बताओ कौन सी ओजोनोलाइसिस है ये, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस बेटा। इसके अंदर एक ऑक्सीडाइजिंग स्पेसिस H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है, उस हाइड्रोजन परऑक्साइड को कंट्रोल करने के लिए जिंक डालते हैं, ठीक है। जिंक क्या करता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड से ऑक्सीजन ले लेता है, ZnO में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड को वाटर में कन्वर्ट कर देता है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, जिंक के साथ रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस हमें याद है, हमारे एल्डिहाइड एसिड्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड ही रहता है। तो क्या होगा इसमें बताओ, ए प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, आपको कुछ नहीं करना, 20 से तोड़ के ऑक्सीजन जोड़ देना है, तो हमारा बनेगा CH3CHO। ये बन जाएगा बेटा, ए तो हमारा ये बन गया। अब ए के ऊपर क्या डाला मैंने, डाइल्यूट NaOH प्लस थोड़ा सा हीटिंग, तो ये क्या है, डाइल्यूट NaOH देखते ही और हीटिंग देखते ही आपको दिमाग में चमकना चाहिए, कार्बोनिल कंपाउंड्स पे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, ऐसे अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड्स जिन पे डाइल्यूट बेस डाला जाए और उनकी हीटिंग की जाए। तो ध्यान रखना एल्डोल कंडेंसेशन होता है, वो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड्स व्हेन ट्रीटेड विद डाइल्यूट बेस एंड हीटेड देन इट विल बी एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन कराओगे तो कुछ नहीं कराना है आपको, इसका ऑक्सीजन ले लो, इसके दो हाइड्रोजन ले लो और बना दो प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा आपका, इसके दो हाइड्रोजन लेके इसका ऑक्सीजन ले लिया बेटा, ये बन जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, क्लियर है, पूरे मेथड से बना के दिखाऊं बेटा, रुको थोड़ा अच्छे से अरेंज करके लिखते हैं, रुको ना, इसको अच्छे से अरेंज करके लिखेंगे बेटा, कैसे लिखेंगे, ओके अब तो कोई डाउट नहीं है, अब समझ गए कैसे होगा, ये निकाल दो बेटा, क्या बनेगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट बेटा, माइनस वाटर निकल जाएगा, क्या बनेगा, डबल बॉन्ड कार्बन ये बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, भूलेंगे तो नहीं, ठीक है, डायरेक्ट मेथड। अब मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन, मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा, आपका दोनों ही कार्बोनिल कंपाउंड्स अलग अलग होंगे। अब इसमें सोचो आप लोग क्या क्या हो सकता है, या तो ये आपस में एल्डोल कंडेंसेशन कर ले, या इसके ये आपस में कर ले, या ये एक बार इसका ऑक्सीजन चला जाए इसके हाइड्रोजन चले जाए, ये एक बार इसका ऑक्सीजन चला जाए इसके हाइड्रोजन, तो चार पॉसिबिलिटी है बेटा, क्या है, चार पॉसिबिलिटी, तो चारों पॉसिबल प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। ओके, तो क्या आप चारों पॉसिबल प्रोडक्ट बनाएंगे या मैं बना के दिखाऊं, बताओ, चलो एक बार मैं बना के दिखाता हूँ, अगली बार आप बनाना, ठीक है। देखो अगर इसका खुद से होगा रिएक्शन तो क्या बनेगा बेटा, खुद से होगा तो बनाना सीख लो, अब मैं बार बार बना बना के नहीं बताऊंगा आपको, खुद से होगा तो देखो मैं बनाता हूँ, अगर खुद से होगा तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसके अल्फा हाइड्रोजन से रिएक्ट करके ये बन जाएगा, ठीक है। अब एसीटोन खुद से करेगा बेटा, तो इसका मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, एसीटोन अगर खुद से करेगा
तो क्या बनेगा एसीटोन का, सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ नहीं लगाऊंगा मैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूँ बेटा, सी एच सी एस थ्री ये बन जाएगा। ठीक है, इसका तो आपस में खुद से हो गया। अब अगर इन दोनों का आपस में मिक्स करके बनाऊँ तो क्या बनेगा बेटा, इन दोनों का आपस में मिक्स करके बनाऊँगा तो लेट सपोज पहले एल्डिहाइड का मैं ऑक्सीजन कंसीडर कर लेता हूँ और कीटोन का हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये बन जाएगा। अब अगर मैं एल्डिहाइड के हाइड्रोजन लूँ और कीटोन के ऑक्सीजन लूँ तो क्या बनेगा बेटा फाइनल प्रोडक्ट, अगर मैं कीटोन का ऑक्सीजन लूँगा बेटा एल्डिहाइड का हाइड्रोजन, तो एल्डिहाइड का हाइड्रोजन लूँगा तो एल्डिहाइड ग्रुप इंटैक्ट रहेगा, कीटोन का ऑक्सीजन ले लिया बेटा सी एस थ्री सी एस थ्री, ये चार प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। मिक्सड एल्डोल जब आएगी तो चारों प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, ठीक है, एल्डिहाइड का खुद से, कीटोन का खुद से, फिर एल्डिहाइड कीटोन का मिक्स हो गए, एक बार एल्डिहाइड के हाइड्रोजन लो कीटोन का ऑक्सीजन लो, एक बार कीटोन का हाइड्रोजन लो एल्डिहाइड का ऑक्सीजन लो, तो चार प्रोडक्ट पॉसिबल है, ठीक है, इसके इसके आप लोग बनाएंगे। ठीक है, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ठीक है, अपडेट कर देना जाके डिस्कशन ग्रुप में कि कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, उनके आईयूपीएससी नाम भी अपडेट कर देना, ठीक है, तो आईयूपीएससी का भी आपका रिविजन हो जाएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ गई, एक में अल्फा हाइड्रोजन है एक में नहीं है अल्फा हाइड्रोजन, देखो ध्यान से, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एक ही में है, तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है उसके हाइड्रोजन उसका क्या जाएगा, हमारा मैकेनिज्म याद करो, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उससे NaOH रिएक्ट करके उसको न्यूक्लियोफाइल बनाता है, ठीक है, तो जिसके अल्फा हाइड्रोजन है उसके निकाल दो और इसका ऑक्सीजन चला जाएगा, तो हमारा क्या बनेगा बेटा, मैकेनिज्म करके दिखाऊं क्या इसकी, ठीक है, देख लो मैकेनिज्म देख लो, पहले CH3CHO के ऊपर NaOH आके बेटा क्या करेगा, वाटर निकाल देगा, तो CH2 नेगेटिव CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये हमारा बेंजल्डिहाइड जो है बेटा इसके ऊपर जाके अटैक करेगा, ये नेगेटिव आएगा इसके ऊपर अटैक करेगा, ये लोन पे ये बॉन्ड पे ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपके इसमें क्या कर देंगे हम लोग बेटा, एसिडिक वाटर डाल देंगे, ठीक है, बार बार मत बतवाओ मुझसे, ठीक है, याद रखो एसिडिक वाटर डाल देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसकी हीटिंग कर देंगे बेटा, क्या कर देंगे, हीटिंग, हीटिंग करने से क्या होगा, हमारा वाटर निकल जाएगा बेटा, वाटर निकल जाएगा, कहाँ से निकलेगा वाटर, यहाँ से एक हाइड्रोजन लेगा ये OH लेगा, ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट स्टेप में हमारे क्या बन जाएगा, क्लियर है, ये क्या बन गया बेटा, बताओ बताओ क्या बन गया, ये सिनेमाल्डिहाइड, क्या बन गया, सिनेमाल्डिहाइड, इसको क्या बोलते हैं, सिनेमाल्डिहाइड बेटा, सिनेमाल्डिहाइड, कोई कोई इसको सिनेमाल्डिहाइड ही बोलते हैं, ठीक है, ये क्या है, सिनेमाल्डिहाइड, ओके। इस कंपाउंड को याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी याद रख लो, कॉमन नेम है, इसको क्या बोलते हैं, सिनेमाल्डिहाइड, ओके। ना नेक्स्ट है आपका कैनिजारो रिएक्शन, देखिए आपके कार्बोनल कंपाउंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता था वीक बेस की प्रेजेंस में आपका एल्डोल कंडेंसेशन देता था, सॉरी वीक बेस नहीं, आपका डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में आपका एल्डोल कंडेंसेशन देता था, वहां पे अल्फा हाइड्रोजन होना कंपलसरी था, यहाँ पे ऐसे एल्डिहाइड कीटोन्स नहीं देते कैनिजारो रिएक्शन, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो कंसंट्रेटेड बेस की प्रेजेंस में कैनिजारो रिएक्शन देते हैं, ओके, याद रहेगा दोनों के बीच में डिफरेंस, वहां एल्डिहाइड कीटोन दोनों थे, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए था और डाइल्यूट बेस होना चाहिए था, यहाँ पे सिर्फ एल्डिहाइड देंगे और आपका कंसंट्रेटेड बेस होना चाहिए, ठीक है। दोज एल्डिहाइड विच डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन सो दिस रिएक्शन, वेरी गुड, बता दिया,
कीटोन ये रिएक्शन नहीं देते, यही बता दिया। रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड एल्कली सच एज कंसंट्रेटेड NaOH, कंसंट्रेटेड KOH। इसमें भी टू मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे, इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन। वन अंडर गो ऑक्सीडेशन, एक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा एल्डिहाइड से एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, एक का रिडक्शन होगा एल्डिहाइड से एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट एंड अदर इज रिड्यूस टू एल्कोहल, दूसरा आपका एल्कोहल में रिड्यूस हो जाता है। ओके होता कैसे है, देखो फॉर्मल्डिहाइड के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, याद रखना। अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन आपका अल्फा कार्बन होता है, उससे जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। ये हमारे जीरो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं इन पे। तो कंसंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में क्या होगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरा आपका एल्कोहल में। तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया बेटा, इसका रिडक्शन होके बना बेटा, ठीक है, क्लियर है। अब इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है देखेंगे, मैकेनिज्म किसी की नहीं छोड़ेंगे हम लोग, ठीक है, सब कुछ पढ़ेंगे। देखो होता क्या है, जब कंसंट्रेटेड एल्कली आती है आपकी तो OH माइनस देगी, OH माइनस आपका NaR कराएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराएगा पहले आपके कार्बोनिल कंपाउंड में, ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, देखो बेटा एक कंडीशन है, ऐसा कंडीशनल केसेस मोर आए से, ऐसा नहीं कि किसी के भी साथ होने लग जाएगा, समझ लो। कंसंट्रेटेड एल्कली होनी चाहिए आपकी और एल्डिहाइड ऐसा होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ओके। तो क्या होगा, OH आपका ऐसे अटैक करेगा बेटा, ये जुड़ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड पेयर आपका ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये नेगेटिव वापस आएगा कार्बन पास और ये हाइड्रोजन निकल जाएगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, क्या है आपका हाइड्रोजन निकल जाएगा। इस स्टेप को क्या बोलते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट। इसमें क्या होगा, एच माइनस निकलते ही दूसरे एल्डिहाइड के ग्रुप पे अटैक कर देगा, दूसरे एल्डिहाइड के ग्रुप पे अटैक कर देगा। तो क्या होगा, एक तो आपका एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, दूसरा आपका CH3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, जब यहाँ पे आप एक हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा तो CH3O- में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक तो बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और एक बन गया आपका CH3O-, जिसके पास लोन पेयर है वो बेस है बेटा, जिसके पास लोन पेयर है वो बेस है, जो एच प्लस डोनेट कर सकता है वो एसिड है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी, एच प्लस आपका ये डोनेट करके ये एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये मेथाइल एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा और ये सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉल्ट में कन्वर्ट, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मैकेनिज्म समझ में आई, इसमें होता क्या है, पहले OH माइनस का अटैक होता है, देन आपका H माइनस निकलता है, वो H माइनस दूसरे एल्डिहाइड ग्रुप को रिड्यूस कर देता है, ओके। नेक्स्ट अब इसको कैसे करेंगे, इसके पास भी क्या है, जीरो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बेस कैसे डाला है, कंसंट्रेटेड। तो कैसे करेंगे, देखो एक को ऑक्सीडाइज कर दो प्लस एक को रिड्यूस कर दो, लो बन गए, कोई दिक्कत ही नहीं लेनी है बेटा, बहुत इजीली बनेंगे आपके, बस आपको मैकेनिज्म समझ में आनी चाहिए। इसमें क्या होगा, एक को रिड्यूस कर देंगे बेटा, एक को ऑक्सीडाइज, क्योंकि इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन है, लेकिन तीनों पे तीन मिथाइल लगे हुए हैं बेटा, हाइड्रोजन है ही नहीं, तो CH2OH, इसका क्या होगा, रिडक्शन प्लस एक का हो जाएगा ऑक्सीडेशन बेटा, ठीक है। सॉल्ट बनता है एसिड हो तो बना देना, सॉल्ट बनता है इसके अंदर, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। ये बेटा PYQ में बहुत बार आ चुका है, PYQ में ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेनी, बहुत इजीली होगा, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जैसा मैं बता रहा हूँ कह नहीं जा रहा हूँ वैसे ही करवा दो, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, PYQ है, साथ ही साथ होमवर्क भी है, ओके। नेक्स्ट मिक्स्ड कैनिजारो, अब दो एल्डिहाइड होंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा,
नेक्स्ट कहीं चलो। अब इसमें बेटा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ फंस जाती है, इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, अगर यहाँ से OH माइनस खड़ा होके देखे तो वो ये देखेगा कि मेरे इजी किस पे अटैक करना है, मेरे लिए ज़्यादा फैसिलिटेट कौन कर रहा है अटैक करवाना, तो वो देखेगा ये वाला कार्बन पे करूँ मैं या ये वाले कार्बन पे करूँ। अब ये देखने के लिए इम्पॉर्टेंट आता है रिएक्टिविटी, ठीक है, पहले देखेंगे रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी ऑफ NaR, जो OH माइनस पहले आपका कार्बनल कंपाउंड से जुड़ने जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं NaR, ये न्यूक्लियोफाइल है आपका, OH माइनस क्या है न्यूक्लियोफाइल, ऐड हो रहा है सी डबल बॉन्ड ओ पे, तो NaR का रेट देखेंगे बेटा हम लोग, क्या देखेंगे NaR का रेट। तो NaR का रेट देखने के लिए हमें क्या देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ ऐसे तो क्या होगा बेटा, अरे देखो अगर मैं इसका ये पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन सिमिलरली बेंजीन के साथ बना दूं बेटा, ये अब बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है कार्बोकैटायन, जो ज्यादा स्टेबल होगा या जो ज्यादा अनस्टेबल होगा उसके ऊपर रिएक्टिविटी होगी, ठीक है, कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, स्टेबिलिटी ज्यादा रिएक्टिविटी कम, रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी कम रिएक्टिविटी ज्यादा, ठीक है। तो देखो ये ज्यादा अनस्टेबल है, यहाँ पे क्या है ये स्टेबल कर देगा आपका पाई बॉन्ड रेजोनेंस के साथ, क्या कर देगा कार्बोकैटायन को स्टेबल कर देगा, तो ये ज्यादा स्टेबल, स्टेबिलिटी इसकी कैसी है, स्टेबिलिटी ज्यादा है रेजोनेंस की वजह से, ठीक है, तो जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसका रेट कम, ओके, रेट या रिएक्टिविटी कम बेटा, ओके। तो इसमें क्या होगा हमारा OH माइनस जब आएगा तो इसके ऊपर अटैक करेगा, और जिसके ऊपर OH माइनस अटैक करता है वो क्या बनता है कार्बोक्जिलिक एसिड का सॉल्ट, तो हमारा प्रोडक्ट में क्या बनेगा ये फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट बनेगा प्लस बेंजाल्डिहाइड का क्या बनेगा बेंजाइल अल्कोहल, ये बन गया, ठीक है। हमें देखना है कि जहाँ पे कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी कम है वहां पे ही OH की अटैक करवाना है, ओके। इसमें कैसे करेंगे, एक एल्डिहाइड ये है जिसके पास अल्फा नहीं है, एक एल्डिहाइड ये, तो डेफिनेटली हमारा बेंजाल्डिहाइड का CO सी डबल बॉन्ड ओ कार्बन कैसा होता है मोर स्टेबल, ओके। तो क्या होगा इसका रिडक्शन हो जाएगा, ओके, और इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्लियर है, हो जाएगा, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट स्टेप में फिर से ओजोनोलाइसिस, बताओ कौन सी ओजोनोलाइसिस, अभी बताया था 5 मिनट पहले क्या बताया था, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, जिंक की प्रेजेंस में रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होती, तो जो एल्डिहाइड बना वो फर्दर है कार्बोक्जिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, सारे बॉन्ड तोड़ दो, ये तो ये हमारा होगा CHO, ऐसे तीन मॉलिक्यूल बन जाएंगे बेटा, ठीक है। अब इसको क्या कराना है, हमें कंसनट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्ट कराना है, ठीक है। तो इसमें भी कैसे हैं, जीरो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कैनिजारो रिएक्शन देगा, अगर कैनिजारो रिएक्शन देगा तो एक ऑक्सीडाइज होगा एक रिड्यूस होगा, तो B हमारा क्या बनेगा बेटा CH2OH COO- Na+, ये हमारा ये A है बेटा, ये B है, क्लियर है, कर लेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत, ओके। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, अब आपको डिसाइड करना है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, कौन सा एल्डिहाइड ग्रुप आपका ऑक्सीडाइज होगा कौन सा रिड्यूस होगा वो डिसाइड करेगा हमारा NO2। अब NO2 देखो, NO2 इस एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में पैरा पे लगा है, इस एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में मेटा पे लगा है, तो ध्यान दो अगर NO2 माइनस M लगाएगा तो उसका इफेक्ट इस एल्डिहाइड के ऊपर आएगा, इस एल्डिहाइड का कार्बोकैटायन लेस स्टेबल हो जाएगा, अगर लेस स्टेबल हो जाएगा तो वहां पे OH माइनस की अटैक करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, अगर अटैक करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी तो वहां पे ही OH माइनस अटैक करेगा, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा बेटा, प्रोडक्ट बनेगा हमारा इस एल्डिहाइड के ऊपर हमारा OH माइनस का अटैक होगा,
तो ये हमारा सॉल्ट बनेगा, ठीक है। ये NO2 है, उसको कोई फर्क नहीं, इस एल्डिहाइड का रिडक्शन हो जाएगा बेटा OH, क्लियर है। जहां पे OH माइनस अटैक करता है उसका सॉल्ट बनता है, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत, बहुत ईजी है बेटा, कोई दिक्कत नहीं आई। एल्डोल कैनिजारो, मतलब आप एक बार सही से पढ़ लो विथ मैकेनिज्म, नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करोगे ना तो मैकेनिज्म रिवाइज करने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नोट मेकिंग साथ में करिए, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इम्पॉर्टेंट चीज, डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। जब तक आपका काम खत्म ना हो तब तक आपको स्टॉप नहीं होना है, समझ रहे हो। ऐसा नहीं कि थक गए तो बंद कर दिया। डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।